आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइंट के डेली करंट अफेयर्स के अंदर आज हम लोग 12 अगस्त के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक्स हैं और इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के, जो 2-3 टॉपिक्स हैं 4 तक, थोड़े से हैवी टॉपिक हैं, लेकिन ये रिपीट होते रहते हैं और उनका बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इनको बेसिक्स भी समझाने की। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैंने आपको बता दिया था कि ये इनकी पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जनवरी 2020 से। ये सीरीज़ अभी अगस्त एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को मिल जाएगी। डेली एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, 7-8 दिन तक लगातार एक वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर। पहले स्टार्टिंग में इनसाइट के डेली करंट जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं सारे वो होंगे, और उसके हाफ पार्ट के बाद होंगे विजन के। तो एक वीडियो कोई 1.5 घंटे की बन रही है, कोई 2 घंटे की बन रही है, लेकिन उसमें तकरीबन 100 के आसपास 100 और 100+ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। बहुत क्विक रिविजन हो जा रही है बहुत सारी चीज़ों की। और 7 वीडियोज़ आएंगी लगातार बैक टू बैक, एक वीडियो के अंदर इनसाइट और विजन दोनों का एक मंथ का, जैसे पहली जनवरी आएगी, दूसरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से, ठीक है। अभी जो जुलाई मंथ की जो विजन की मंथली मैगजीन थी ना, जो पिछले मंथ की थी, वो अभी 16-17 को अपलोड होती है विजन की वेबसाइट पर। तो वो पूरी करने के बाद पॉसिबली उसको 30 तारीख तक कवर करेंगे, और उसके कवर जैसे ही जिस दिन वो ख़त्म होगी उसके नेक्स्ट डे से ही ये प्रिलिम स्पेसिफिक वाली जो वीडियो होती है अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सीरीज़ है तो बिल्कुल एक साथ बैक टू बैक 7 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगी ये, ठीक है। 12 अगस्त के स्टार्ट करने से पहले 11 अगस्त का रिविजन देख लेते हैं। रिविजन स्टार्ट करते हैं 11 अगस्त की। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में कल में किसी एक ने कहा था कि उनको बायोफ्यूल का 4th जनरेशन वाला समझ में नहीं आया था। तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो मिस जाता है ना लास्ट डे का, वो समझ में नहीं आता, आप कमेंट्स में बता दिया करो, मैं रिविजन वाले पार्ट में ना उसको आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। तो 11 अगस्त पहला टॉपिक था सिटीजनशिप, बुद्धा के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। इंडिया नेपाल का एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। इंडिया ने कहा था कुछ, हमारे जो मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं उन्होंने कुछ बात की थी, डिस्क्राइब किया था कि जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे वो एक ग्रेटेस्ट इंडियन थे। इसके ऊपर नेपाल की साइड से कुछ कंट्रोवर्शियल वर्ड्स आए थे कि वो नेपाल के ओरिजिन के थे। फिर हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में देखा था कि शाक्य रिपब्लिक क्या है, इंडिया नेपाल का क्या रिलेशन है बॉर्डर्स के तहत, कपिल वस्तु क्या है, कौशल किंगडम और शाक्य के चीफ इक्ष्वाकु के लीनिएज के बारे में देखा था, किस तरीके से भगवान राम और भगवान बुद्ध जो दोनों ही थे ये इक्ष्वाकु लीनिएज के थे और ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। 4 क्लैन के मैंने आपको नाम बताए थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ भी लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और लुम्बिनी के बारे में देखा था, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कपिल वस्तु, बोध गया जो बिहार में है, वाराणसी जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, मगध किंगडम, कुशीनगर एंड मैनी मोर थिंग्स। कल मैप भी देखे थे हम लोगों ने इसके। जियोथर्मल स्प्रिंग्स, हिमालय के अंदर कुछ स्टडी के कारण पता चला है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। साइंटिस्ट थे वादिया इंस्टीट्यूट के, इन्होंने कुछ स्टडी की थी, एक गढ़वाल रीजन का जो एरिया है, शिवालिक रेंज में गढ़वाल माउंटेन्स पड़ते हैं, वहाँ पर कुछ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का कुछ एरिया था जहाँ पर जियोथर्मल स्प्रिंग्स मिलते हैं आपको, और हाई अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है उसका सोर्स होता है मेटामॉर्फिक डीकार्बोनेशन कार्बोनेट रॉक्स का, प्लस में जो ऑक्सीडेशन और मैग्नेटिज्म होता है ग्रेफाइट का, ये सारा का सारा। हॉट और जियोथर्मल स्प्रिंग्स क्या होते थे, एक वाटर निकल के आता है ज़मीन से, गर्म होता है वो पानी, उसका रीज़न क्या होता है, उसकी साइंस क्या होती है, हमने देखा था कि किस तरीके से जो मॉल्टन रॉक्स होते हैं उसमें जो हीट होती है वो उस वाटर को गर्म करती है, वो प्रेशर के कारण ऊपर से बाहर आता है। मैग्मा होता है जो सरफेस के अंदर रहता है, जो मोल्टेड रॉक्स होते हैं ना अर्थ सरफेस के अंडर जो होता है ना वो मैग्मा होता है, बाहर आने के बाद हम उसको लावा का नाम दे देते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, ये लोग कुछ फंडिंग कर रहे हैं $10 मिलियन के आसपास, ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, 1956 में बना था, फोकस है सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर हम लोगों ने IDA और IBRD के कुछ डिफरेंसेस देखे थे इनके लोन्स वगैरह के रिगार्डिंग। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि विजन की सीरीज ज़रूर देखना, ये इसके रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो हमारा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड की वेबसाइट है उसी के ऊपर। और बजट लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें इसको अनाउंस किया गया था कि 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 5 सालों में, और अपने आप का ये पहला एक प्रोजेक्ट होगा, इनिशिएटिव होगा। प्लस में अभी कुछ एक टास्क फोर्स सेटअप किया था, अतानु चक्रवर्ती उसको हेड कर रहे थे NIP के रिगार्डिंग, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कुछ उन्होंने जो
इन्वेस्टमेंट थी उसको थोड़ा सा उसमें 11 लाख और ऐड करवाए हैं। फिर उन्होंने बताया कि एनर्जी रोड रेलवेज़ में 70% इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग होगी और शेयरिंग कितनी होगी सेंटर की, स्टेट की, प्राइवेट की। इसके अलावा 3 कमेटीज़ का रिकमेंडेशन दिया था ताकि डिलेज वगैरह को एलिमिनेट करें, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस रहे, प्लस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से रेज करने उसके रिगार्डिंग। सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल क्या है, चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड वाटर के अंदर एक सबमरीन केबल सिस्टम लगाया है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया है उसके अंदर। 2300 किलोमीटर का है, 1224 करोड़ रुपए लगे हैं इसके अंदर। और मेजर जो एरिया है वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है। उसके अलावा स्वराज द्वीप, हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, हुतबे, कमोरता, कार निकोबार, कैंपेल बे, ये सारे के नाम हैं तो आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पर हैं ये। इसके बाद हम लोगों ने बात की जो फंडिंग आई है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से आई है, जहाँ पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो AGR होता है वो तकरीबन कुछ 5% के आसपास होता है, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज देती हैं, आइडिया, वोडाफोन, जियो, BSNL, उन सबके उस फंड को यूज़ करके इस ऑप्टिकल फाइबर को वहाँ पर सेटअप किया गया है। बेनिफिट क्या होगा उस एरिया के अंदर, अंडमान निकोबार के एरिया के अंदर बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी एजुकेशन के लिए, टेली मेडिसिन के लिए, नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगी वहाँ पर। सबमरीन केबल्स क्या होती हैं, हम लोगों ने देखा था कि इनकी कोटिंग होती है, दो तरह की होती है, अनरिपीटेड, रिपीटेड। इंपॉर्टेंस क्या होती है, अभी तक वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो जो भी ओशन सी वगैरह को क्रॉस करके जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है उसमें 99% जो है वो सबमरीन केबल्स के थ्रू, अंडर सी केबल्स के थ्रू जाती है। सैटेलाइट वाले के अंदर एक तो स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है, मेगाबाइट्स में स्पीड होती है, लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर वाला होता है सबमरीन केबल्स वाला, इसमें टेराबाइट्स के अंदर स्पीड आती है, यानी कि स्पीड बहुत हाई होती है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल्स की, जो कि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ करने के तहत पर एक अल्टरनेटिव है। और इस दिन हम ऑनर करते हैं सर रोनॉल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल को, जो डीजल इंजन के इन्वेंटर थे और उन्होंने पीनट ऑयल को यूज़ करके 1893 में इंजन को रन किया था। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है 2015 से इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है। इस बार की थीम थी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह कहते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डीकम्पोज जाते हैं, उससे जो उसको हम लोग बायोफ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का एक डाउट आया था मेरे पास कल की समझ में नहीं आया। देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो रहा था, हम लोग जैसे शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल, जो फूड स्टॉक होता है ना, उन चीज़ों को यूज करके और बायोफ्यूल बना रहे थे। सेकेंड जनरेशन के अंदर हम लोगों ने सस्टेनेबल फीड स्टॉक को कंसिडर कर लिया था, ठीक है ना। और ये जो सेकेंड जनरेशन होता है ना, ये भी एक फूड क्रॉप होता है, राइट। इसके अंदर सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेकेंड जनरेशन के फ्यूल बन जाते हैंगे, लेकिन ये जो वो वाले फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंजम्पशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैंगे। थर्ड जनरेशन के अंदर हम लोग बायोफ्यूल निकालते हैं अलगी में से। फोर्थ जनरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ताकि वो बायोमास में कन्वर्ट हो जाएं। फिर जब वो बायोमास के तरीके से उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, अब उसको हम लोग सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स का यूज़ करके उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोफ्यूल हो गया, ठीक है। 12th अगस्त के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है माउंट सीना बंग, सेकेंड है क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड, थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू विमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स, फोर्थ इज NSCNIM रिलीजेज डिटेल्स ऑफ 2015 नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, फिफ्थ इज न्यू टिक बॉर्न वायरस, सिक्स्थ इज स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सेवन्थ इज SpaceX SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप। GS पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा माउंट सीनाबंग। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा। लोकेशन है इसकी नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड्स इंडोनेशिया के अंदर। न्यूज़ में क्यों है, ये जो वॉल्केनो है अभी रिसेंटली एक्टिव हुआ है दोबारा से, ठीक है ना। इससे पहले ये जब एक्टिव था 2010 में था और तभी इरप्ट हुआ था नियरली 400 की इनएक्टिविटी के बाद। बैकग्राउंड क्या है, इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो रिंग ऑफ द फायर के अंदर है, जिसको हम लोग सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। ये एक एरिया है पैसिफिक ओशन का जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स भी आ रहे होते हैं। रिंग ऑफ फायर के अंदर 75% वर्ल्ड के वॉल्केनोज हैं और अबाउट 90% जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं। वॉल्केनोज इरप्ट क्यों होते हैं, देखो वॉल्केनो जो होता है वो एक्टिव भी हो सकता है, डॉर्मेंट भी हो सकता है और एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक्टिव का मतलब हो रहा है कि लगातार उसके अंदर इरप्शंस होते जा रहे हैं, ठीक है। डॉर्मेंट का मतलब होता है कि
कि वो अभी रिसेंटली तो इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में उसके इरप्ट होने के चांसेस ज़रूर हैं। और जब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में होता है कि पिछले 1000 साल में वो इरप्ट नहीं हुआ है और अब कोई चांसेस हैं भी नहीं कि वो इरप्ट होगा। तो तीनों की कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए, एक्टिव क्या है, डॉर्मेंट क्या है और एक्सटिंक्ट क्या है। इसके अलावा भी कुछ वॉल्केनो उसके टाइप्स होते हैं, उनके शेप के ऊपर होते हैं, जैसे कुछ शील्ड वाले टाइप के होते हैं, डॉम के होते हैं, ठीक है ना, उनकी शेप के ऊपर फॉर्म होते हैं कि किस तरह की शेप बनती है जब उसमें से वेंट में से इरप्शन होता है। ठीक है, एक इरप्शन होता है उसमें मैग्मा जो होता है ना, वो थिक सा फ्लोइंग सब्सटेंस जो होता है, बहुत हॉट होता है, मोल्टेड रॉक्स होता है, पत्थर पिघला हुआ होता है ना ज़मीन में हीट के कारण, वो होता है, वो अर्थ के मेंटल के अंदर मेल्ट होता है और वो सरफेस के ऊपर आता है। वो जो मैग्मा होता है वो सॉलिड रॉक से थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है ना, इसलिए वो वेंट के थ्रू बाहर आ पाता है, ठीक है ना। वेंट और फिशर्स जो होते हैं उनके कारण अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। वेंट का मतलब क्या होता है, देखो आपके घरों के अंदर ऊपर रोशनदान वगैरह होते हैं ना, उनको वेंट बोलते हैं, जहाँ से अंदर की जो हवा होती है वो बाहर चली जाती है, वेंटिलेशन होता है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ एयर हम बोलते हैं, रूम के अंदर होता है। तो वोल्केनो के अंदर भी वही चीज़ होती है, वोल्केनो एक तरीके का वेंट होता है अर्थ के अंदर का जो मैग्मा होता है उसके बाहर आने के लिए। ऑलराइट, फिर जब ये इरप्ट हो जाता है यानी कि बाहर आ जाता है, तो इस मैग्मा का नाम चेंज हो जाता है, फिर इसको हम बाहर आने के बाद हम बोलते हैं लावा। व्हेन दे आर एक्सप्लोसिव, देखो सारे के सारे वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं ना वो एक्सप्लोसिव नहीं होते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन क्या था मैग्मा का, ठीक है, कैसे डिपेंड करता है। अगर मैग्मा बहुत ही रनी और थिन होता है तो गैसेस उसके अंदर से इजीली एस्केप कर जाती हैंगी, जिस केस के अंदर जो मैग्मा होता है वो सरफेस की तरफ बाहर फ्लो कर पाता है, यानी फ्लो कर रहा है, एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है, ठीक है ना, सिर्फ फ्लो कर रहा होता है, उसके कारण कुछ खास नुकसान नहीं होता है। लेकिन दूसरी साइड अगर मैग्मा बहुत थिक और डेंस होता है तो गैसेज उसमें से एस्केप नहीं कर पाती हैंगी, जिसके कारण गैसेज के कारण एक देखो गैस जो होती है ना उसमें फ्रीली मूविंग पार्टिकल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो गैसेज के अंदर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर बहुत ही थिक फॉर्म के अंदर मैग्मा है वो बाहर नहीं आ रहा, लेकिन नीचे से बार बार जो गैसेज हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि मैग्मा जो है ना वो एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर निकलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी कि एक्सप्लोड हुआ है वो। अदर हैंड पर मैग्मा थिक होता है, गैसेज एस्केप नहीं करती, तो फिर एक एस्केप करता है, वॉयलेंट एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, समझ गए। वाई आर सम वॉल्केनोज एक्सप्लोसिव हो गया, लोकेशन ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बिल्कुल पता होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग देखते रहते हो। वेयर डू वॉल्केनोज मोस्टली अकर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैंगी, देखो एक ये प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, एक दूसरी इसके साथ में ये प्लेट बाउंड्री है। जब हम बात करते हैं कन्वर्ज की तो ये इनकी मूवमेंट आगे की तरफ होती है दोनों की, ठीक है, आपस की तरफ, ये होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एग्जैक्टली सेम चीज़ डाइवर्जेंट में ऑपोजिट हो जाती हैगी, यानी कि जब डाइवर्जेंट होता है तो इसकी मूवमेंट अवे होती है, यानी कि दोनों डाइवर्ज हो रही होती हैं और फिर नीचे से मैग्मा जो होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो दोनों ही प्लेट के केस में यही होता है, एक जब कन्वर्ज हो रही होती हैं तो ये फिर ऐसे आपस में ऊपर की तरफ बढ़ रही होती हैं, डाइवर्ज के अंदर ये नीचे की तरफ जा रही होती हैं। ये दो टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव, डॉर्मेंट मैंने आपको दिखाई दिया था। लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, बहुत सारे वॉल्केनिक होते हैं, इंडोनेशिया का हो गया, इवन हमारा इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है ना, इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू, ये भी एक समय में वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही फॉर्म हुआ एक लैंड फॉर्म है। राइट, और अगर हम बात करते हैं US के अंदर सैन एंड्रियाज वाला जो एरिया हो गया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो मोस्टली वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही फॉर्म हुए हैं। GS पेपर 2 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड, GS पेपर 2, अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना है इसको, लिटल कॉम्प्लिकेटेड बट आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हल्का सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ आप लोगों को मैं इसका पहले। देखो 1971 का वॉर आप लोगों को याद होगा, लिबरेशन वॉर हुआ था, जहाँ पर इंडिया ने ईस्ट, जो हमारा इंडिया का जो ये मैप है, मान लो इस तरीके से मैं कुछ बना देता हूँ ऐसा, यहाँ पर हमारे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यहाँ पर हमारे वेस्ट पाकिस्तान था। 1971 के वॉर के बाद इंडिया ने इस पार्ट को कश्मीर, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से फ्री करवा दिया था। ईस्ट पाकिस्तान का नाम हम लोगों ने फिर बदल, उनका जो उस एरिया का, उन लोगों ने अपना नाम बदल के रख लिया बांग्लादेश। ये हुआ था 1971 का लिबरेशन वॉर। इस वॉर के दौरान बहुत सारा मूवमेंट हुआ था लोगों का इंडिया के अंदर, इमिग्रेशन हुआ था, लोग इंडिया के अंदर आके बस रहे थे, वेस्ट बंगाल में आ गए थे एंड इसके अलावा असम में चले गए थे और बाकी के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह थे ना उसके अंदर आ गए थे।
यहाँ पर क्या होता है कि जो उस टाइम पे ना एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करता था, आसू, ठीक है, ऑल आसामीज स्टूडेंट यूनियन करके, AASU, जैसे हमारा DU का है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, इसको डूसू बोलते हैं, ये आसू हो गया। BHU का है, उसको भूसू बोलते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, इनको इसके नाम के आगे ऐसे बोला जाता है। तो जो आसू था ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। अब ये जो प्रोटेस्ट थे, ये बहुत हैवी थे। तो इंडिया के हिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन ने जो प्रोटेस्ट किए थे, उसमें से वन ऑफ द मेजर इवेंट्स जो था वो ये आंसू वाले थे। तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जो इमिग्रेंट्स आए हैं हमारे पास इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, 1985 के अंदर असम अकॉर्ड साइन किया गया था, ठीक है। और ये असम अकॉर्ड किस किस के बीच साइन हुआ था, ये हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और जो असमीज मूवमेंट के जो लीडर्स वगैरह थे ना, उनके बीच में साइन हुआ था। इसमें फिर कुछ सेटअप किया गया था कि भैया 1971 से जो पहले वाले जो लोग थे ना, उन्हीं को हम लोग असमीज कंसिडर करेंगे। और फिर एक 1950 के पास एक NRC आया था, उसकी बात की थी। बाकी जो डिटेल के अंदर जो भी कुछ हो रहा था ना, और क्लॉज 6 क्या है इसके रिगार्डिंग, क्लॉज 6 में उन्होंने बताया था कि जो असमीज पीपल होंगे उनकी हेरिटेज का, कल्चर का, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे एंड एवरीथिंग। अब उस क्लॉज 6 के ऊपर थोड़ा सी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। अभी जो हमारा NRC भी आया था ना असम में, आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, थोड़ा सा मुद्दा चल रहा है। अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आसानी से जाएंगी। आपको असम अकॉर्ड समझ में आ गया, ऐसी समझ में आएगा। फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया था, ठीक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और कैसे हम लोग जो असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, ठीक है ना। एक असम अकॉर्ड एक ऐसा एक प्रोविजन है जो कि कंटेंशियस है, डेकेड से, यानी कि दशकों से ये डिस्प्यूटेड चल रहा है। कंटेंशियस का मतलब होता है डिस्प्यूट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अब इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है, लोगों के सामने रख दिया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। कमेटी को सेटअप किया था होम मिनिस्ट्री ने 2019 के अंदर, और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं बिप्लब कुमार शर्मा। ओके, ये ब्रीफ था जिसने डिफाइन किया था असमीज पीपल कौन होंगे, ठीक है ना, और उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए क्या मेजर्स सजेस्ट किए जाएंगे। ध्यान देना, असमीज पीपल को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस अकॉर्ड के अंदर। क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का, वो कुछ बताता है क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुनना है इसको। जो असम अकॉर्ड था ना, 1985 में साइन किया गया था, ठीक है। असम का जो एजिटेशन चल रहा था, उस 1979 से 85 के दौरान 6 साल तक काफ़ी खतरनाक एजिटेशन हुआ था। असमीज लोग बोल रहे थे कि ये जो इतने सारे लोग आ गए हैं, ये बांग्लादेशी आ गए हैं, इवन वेस्ट बंगाल से भी लोग इधर को आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग पीपल ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कल्चर खतरे में है, ठीक है ना, हमें प्रॉब्लम हो रही। तो असम के जो नेटिव लोग थे, उन्होंने एजिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड जो है ना असमीज लोगों के, असम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, इनको सेफगार्ड करेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इनको प्रिजर्व करेंगे, और जो असम का जो कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी प्लस में जो हेरिटेज है लोगों का, उसको प्रमोट करेंगे। ये कहता है क्लॉज 6, ठीक है। इस क्लॉज को इंसर्ट कर दिया गया था जो भी सोशियो पॉलिटिकल राइट्स और कल्चर होते हैं इंडिजीनियस पीपल ऑफ असम, उनके लिए। अब असम अकॉर्ड क्या है, मैंने आप लोगों को आइडिया दे रही थी। एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच और असम मूवमेंट के लीडर्स के बीच नई दिल्ली में 15 अगस्त 1985 को, फॉर द रिकॉग्निशन एज सिटीजन्स, यानी कि किसको सिटीजन रिकॉर्ड, किसको सिटीजन मानेंगे कि वो असम का सिटीजन है या नहीं है। इस अकॉर्ड ने बोला था कि हम लोग 24 मार्च 19, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है ना, बहुत इसमें कॉन्ट्रोवर्सी रही है इस डेट को लेकर, इसलिए हमारा NRC और ये जो CAA का था ना, NRC के ऊपर ज़्यादा पंगा जो हुआ था वो इसी कारण हुआ था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि देखो हम लोग 24 मार्च 1970 और जो असम अकॉर्ड हो रहा था ना उस 1985 में, इन्होंने क्या कि 1971 24 मार्च की मिडनाइट से पहले पहले जो भी लोग असम में थे, सिर्फ वही लोग असमीज माने जाएंगे, उसके अलावा जो होंगे सारे के सारे वो इल्लीगल मान दिए जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना। की रिकमेंडेशन इस कमेटी ने क्या की है, इस कमेटी ने प्रपोज किया है कि फॉलोइंग बी कंसिडर्ड असमीज पीपल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 6। क्लॉज 6 का मतलब क्या कर रहे हो आप, क्लॉज 6 के अंदर आप इनके कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव को सेफगार्ड कर रहे हो, इनकी सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रमोट और प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्लॉज 6 के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ना कि भाई असमीज पीपल कौन थे। तो इन्होंने बोला कि
ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर पार्ट ऑफ, अगर वो इन चार कैटेगरीज में पार्ट करता है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा पहली बात तो। अगर वो असमीज कम्युनिटी का है, रिजाइड उस टेरिटरी में रह रहा है असम की 1 जनवरी 1991 को या फिर उससे पहले, उसको भी हम असमी मानेंगे, ठीक है। कोई भी ध्यान देना 1951, अभी समझ में आएगा कि 1951 क्यों है। और ऊपर तो बोला था कि 1971 से पहले वालों को मानेंगे, इन्होंने कहा कि देखो 1971 से लेकर और जो 1951 के जो ड्यूरेशन था ना, इसके अंदर जो लोग होंगे इनको हम इंडियन सिटीजनशिप का टैग देंगे, ठीक है ना। असमीज को और स्पेशल कैटेगरी में पुटअप कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी असमीज कम्युनिटी जो कि उस असम की टेरिटरी में रह रही है 1 जनवरी 1991 के पहले से, या फिर कोई इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी है जो असम में रह रही है 1951 से पहले, कोई इंडिजिनस कम्युनिटी है असम की जो रिजाइड कर रही है उस टेरिटरी के अंदर ऑन और बिफोर, इंडिजिनस के अलावा कोई और इंडिजिनस कम्युनिटी है वो भी, और बाकी जो जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के जो रह रहे हैं इंडिया की टेरिटरी के अंदर 1 जनवरी 1951 से पहले, और इन कम्युनिटी के इन लोगों के जो डिसेंडेंट्स हैं यानी कि इनके जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, ये सारे के सारे बनेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया 1951 से पहले वाले, ये सब के सब सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर किए जाएंगे। क्लॉज 6 जो है ना, इट्स मेंट टू गिव असमीज पीपल सर्टेन सेफगार्ड्स विच वुड नॉट बी अवेलेबल। अब वो लोग जो 1951 से लेकर और 1971 के बीच में जो लोग आए थे ना, इन सबको क्लॉज 6 का जो प्रोटेक्शन मिलेगा ना वो नहीं मिलेगा, ध्यान देना। क्लॉज 6 का प्रोटेक्शन सिर्फ उनको मिलेगा जो 1951 से पहले आ चुके थे, वो असमीज कंसिडर किए जाएंगे, ध्यान देना। बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होते हैं तो वो लोग जो माइग्रेट करके आए थे 1951 से लेकर 1971 के इन 20 सालों में, ये इंडियन सिटीजन्स होंगे असम अकॉर्ड के अंडर और जो NRC होगा, बट इनको असमीज पीपल वाले सेफगार्ड नहीं दिए जाएंगे। और वो सेफगार्ड क्या होते हैं? सेफगार्ड होते हैं कि जो असमीज पीपल होते हैं उनको पार्लियामेंट्री सीट के अंदर 80-100% का रिजर्वेशन मिलेगा, असेंबली सीट्स में, लोकल बॉडीज़ के अंदर वो रिजर्व रहेगा असमीज पीपल के लिए। 80-100% ग्रुप सी और डी की जो लेवल पोस्ट होती है यानी कि जो असम के स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेमी गवर्नमेंट के अंदर, PSU में, वो इन लोगों को मिलेगा, लेकिन जो 1951 से लेकर और 71 के बीच आए थे उनको नहीं मिलेगा। 80-100% जो जॉब्स हैंगी गवर्नमेंट ऑफ असम की, स्टेट गवर्नमेंट की, और 70-100% वैकेंसी जो हैं प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो सिर्फ और सिर्फ असमीज पीपल को मिलेगी 1951 से पहले वालों को। लैंड के राइट्स, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होंगी लैंड को ट्रांसफ़र करने की, ठीक है ना, अदर देन असमीज पीपल। सेवरल अदर रिकमेंडेशन थी जो लैंग्वेज वगैरह की थी, कल्चरल की थी और सोशल राइट्स की थी। तो ये सेफ गार्ड थे, ये सिर्फ उनको मिलेंगे क्लॉज 6 वालों को जो कि 1951 से पहले वाले हैं। ऑल राइट, अब पंगा NRC का पंगा इसमें वैसे पूछा नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। NRC अभी जो आया था ना फिर असम के अंदर, उसमें इन्होंने ये बोल दिया था कि NRC ना 2016 से चल रहा था, ठीक है, 2016 से वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे जा रहे थे। तो इन्होंने निकाले कुछ 19 लाख के आसपास लोग असम के अंदर ऐसे, कि यार इन लोगों के पास 1971 के बाद का कोई डेटा नहीं है, उससे पहले का भी कोई डेटा नहीं है। 19 लाख लोग ऐसे थे। अब असम के अंदर जब 19 लाख लोग ऐसे, उसमें तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे थे जो हिंदूज थे, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी, इन्होंने कहा कि यार देखो आप लोगों ने NRC में इतने लोगों को निकाल तो दिया, लेकिन हमको इतना तो आइडिया था कि बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो मेजरली मुस्लिम्स लोग थे, ठीक है ना। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसके साथ में लेके आ रहे हो CAA, और CAA के अंदर आप डेट दे रहे हो 2014 के दिसंबर की। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो 5 लाख हिंदूज थे ना, इनको तो आप कहीं ना कहीं सिटीजनशिप दे ही दोगे इस CAA के तहत, लेकिन ये जो 19 लाख लोग में जो बाकी जो 14 लाख के आसपास बच जाएंगे ना, इनका क्या होगा। ये हो गया था डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़। अब ये जो लोग थे इन्होंने कर दिए थे प्रोटेस्ट असम के अंदर, तभी वो NRC को लेकर बहुत पंगे होते हैं असम। इन्होंने कहा था कि हम ऐसे लोग हैं, हम यहाँ पर 51 से पहले हमारे दादा परदादा थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। देखो ये इन 2016 से और जो 2019 तक का टाइम दिया गया था ना NRC को, जिसमें 19 लाख लोगों की कैटेगरी को बाहर निकाला था, ये 19 लाख लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए थे कि हम इंडियंस हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है अब हम आपको इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर करेंगे, इनके लिए डिटेंशन कैंप्स बनाए जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बोला कि देखो असम के अंदर बहुत सारी फ्लड्स आते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लोगों के घर के पूरे घर उड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनके पास पेपर्स नहीं है, दे डो नॉट हैव एनी प्रूफ,
ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के खासकर, वो लोग ट्राइब्स में रह रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं हो, अपने ये भी नहीं बता सकते कि मेरा वो रिश्तेदार था या वो था, इसी कारण ही सारा का सारा पंगा हुआ था। हमको यहाँ पर क्लॉज 6 समझना ज़्यादा ज़रूरी था। क्लॉज 6 को ही ध्यान में रखते हुए असमीज पीपल को लेकर कुछ स्पेशल सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और 1951-71 को, तब ये मुद्दा था। अभी इस पर होगा, ये तो COVID-19 आ गया, नहीं तो इसके ऊपर और थोड़ा सा क्लैरिटी आनी थी। ओह काफ़ी लंबा था। असम अकॉर्ड क्या है, उसके एजुटेशन क्या था, सिग्नेटरीज कौन थे, क्लॉज 6 क्या है, बिप्लब कुमार सेन शर्मा कमेटी क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ वी हैव सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है हिंदू वुमेन्स के इनहेरिटेंस राइट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया है कि किस तरीके से हिंदू वुमेन अपने इनहेरिटेंस राइट का बेनिफिट ले सकती हैं। ये टॉपिक कवर होता है हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस में डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स में। एक ओवरव्यू दे देता हूँ नीचे वाला स्टार्ट करने से पहले, मेरे को थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी ओवरव्यू देने की पहले, फिर आगे का टॉपिक समझना आसान हो जाता है। देखो इंडिया के अंदर जो हिंदू एक्सेशन राइट है, एक 1956 का एक एक्ट है बेसिकली, उसके तहत क्या होता था कि जो फीमेल्स थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर अपना राइट ले सकती थी। यानी कि अगर उनके पिताजी के पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसकी इनहेरिटेंस डायरेक्ट उनके बेटे को जाएगी, सिर्फ बेटी को नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसके पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी है उसके ऊपर उस लड़की का हक हो सकता था। फिर 2005 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, उस अमेंडमेंट में उन्होंने ये कह दिया कि लड़की के उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी हक होता है, लेकिन अगर उसके पिता उस 2005 की डेट तक जिंदा थे तो ही उसके ऊपर उसका हक होगा। कुछ कंडीशन सेटअप की थी, वो नीचे मैं आपको बताता चलूंगा। आज की डेट में बीच में और भी रिकमेंड चेंजेस आए थे इसमें, 2015-18 में भी कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं वो कंडीशन होगी। अब जो फिलहाल जो नया वर्डिक्ट आया उसमें कहा था कि चाहे लड़की का बाप था, लड़की की शादी हुई है, लड़की की शादी नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लेफ्ट राइट के सारे क्लोज उन्होंने साइड हटा दिए। उन्होंने कहा था कि पिताजी की ज़मीन है, चाहे पिताजी को पिताजी से मिली हो, पेरेंटल है, या फिर पिताजी ने खरीदी हो, लड़की का बिल्कुल इक्विवेलेंट हक होगा उस ज़मीन के ऊपर जितना उस लड़के का होता है। उन्होंने कहा कि इवन लड़का जो होता है शादी होने के बाद अपना बेटा नहीं रहता, लेकिन लड़की हमेशा लड़की, बेटी हमेशा बेटी ही रहेगी। मैं लड़की क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बेटी हमेशा बेटी रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अब एक एक चीज़ें पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आती चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है हिंदू वुमेन के राइट को। अच्छा इंडिया के अंदर क्या होता है ना, क्रिमिनल दो तरह के केसेज होते हैं, एक तो क्रिमिनल केसेज होते हैं और एक होते हैं सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स सिविल राइट्स। क्राइम के चक्कर में कोई वो नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है कि हिंदूज को अलग तरह का पनिशमेंट देना है, मुस्लिम को अलग, क्रिश्चियन को अलग, सिख को अलग। क्रिमिनल जो लॉज है ना वो सबके लिए बिल्कुल डिटो सेम है, लेकिन सिविल राइट्स थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे इस्लाम के अंदर जो होता है ना, इस्लाम के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अभी भी पॉलीगेमी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, लेकिन हिंदूज के केस में नहीं, आप एक ही शादी कर सकते हो, ये लॉ बन चुका है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को लेकर भी थोड़ा सा अलग है, अब उसी तरीके से प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग भी थोड़े से राइट अलग है। इस्लाम के अंदर जो है ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है ना, पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके तहत जो भी इनहेरिटेंस करना होता है प्रॉपर्टी का वो उस वाले लॉ को फॉलो करते हैं। हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, वो हिंदू एक्सेशन एक्ट के तहत करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हुए चलें, थोड़ा सा अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू वुमेन के राइट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है कि वो जॉइंट लीगल एयर है और इनहेरिट कर सकती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी ऑन टर्म्स इक्वल टू द मेल, जितना कि मेल एयर्स होते हैं ना उतना ही वो कर सकती है। रूलिंग क्या आई है, हिंदू वुमेन का जो राइट है ना कि वो एक जॉइंट एयर बने अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर बाय बर्थ, ये किसी भी बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि 2005 के अकॉर्डिंग, 2005 की जो डेट थी 9 सितंबर की, उस टाइम तक उसके पिताजी जिंदा थे या नहीं। पहले कंडीशन थी कि 2005 का जो लॉ आया था उसके टाइम तक अगर उसके पिताजी जिंदा थे तो ही उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब इन्होंने हटा दिया है, उसके पिताजी जिंदा थे नहीं थे हमें कोई मतलब नहीं है, बराबर का हक मिलेगा। और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कभी तक की भी कोई भी उसकी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी हो, हर एक चीज़ में फीमेल का बेटी का प्रॉपर इक्वल राइट होगा। इन्होंने 2015 के और अप्रैल 2018 के जो वर्डिक्ट्स थे उनको भी ओवर रूल कर दिया है। अभी केस आया कैसे है, 2005 के अंदर लॉ ने ग्रांट किया था कि विमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी के अंदर। तो क्वेश्चन रेज किए गए थे मल्टीपल केसेस के अंदर कि भैया किस तरीके से ये लॉ आपने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या, पीछे वाले जो केसेस थे उनको भी आप इसमें कंसिडर करोगे या फिर उनको वैसा ही रहने दोगे, आज के लिए प्रेजेंटली चेंज करोगे। और अगर जो राइट्स हैं विमेन के वो उसके लिविंग स्टेटस के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके पिताजी के, तो होम दे वुड इनहेरिट, तो वो किसको इनहेरिट करेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है ये कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन वगैरह हट गया सारा का सारा। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या है। इस एक्ट के तहत
हिंदी वुमेन को राइट मिलता था टू बी द कॉपर सिनर्स। कॉपर सिनर्स का मतलब होता है कि उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए, जिसको भी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, उसको बोलते हैं कॉपर सिनर्स, या फिर आप उसको जॉइंट लीगल एयर भी बोल सकते हो। सेम तरीके में जैसे उनके जो मेल होते हैं ना, वो अपने पिता के जो ज़मीन होते हैं उसके हकदार बन जाते हैं। ठीक है, जो अमेंडेड एक्ट है, इसने जो डॉटर होती है कॉपर सिनर होती है ऑल्सो ए कॉपर सिनर बाय बर्थ, यानी कि उन्होंने कहा कि जन्म से ही वो कॉपर सिनर बन जाएगी, अब उसका जन्म से ही अधिकार हो जाएगा अपने पिता की सारी ज़मीन और जायदाद के ऊपर। इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर, जिस तरीके से बेटे का अपने पिता की ज़मीन के ऊपर जन्म से ही अधिकार बन जाता है, उसी तरीके से बेटी का भी अपने पिता की ज़मीन के ऊपर जन्म से अधिकार हो जाएगा। लॉ ऑल्सो गेव द डॉटर द सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द कॉपर सिनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव इफ शी हैड बीन अ सन। तो उन्होंने कहा कि डॉटर को वही राइट्स दे दिए गए हैं जो उसको मिलते जब वो बेटा होती, अगर वो बेटी ना होकर बेटा होती तो जो राइट्स उसको तब मिलते वही उसको अब मिलेंगे। लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये लॉ अप्लाई होता है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, टू इंटरस्टेट सक्सेशन इन द पर्सनल प्रॉपर्टी वेयर सक्सेशन हैपन्स एज पर लॉ नॉर थ्रू विल, यानी कि अगर किसी ने अपनी विल से, अपनी इच्छा से अगर किसी के पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दिया तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके पिताजी ने अपनी चॉइस से नहीं किया, मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी माँ बाप जो होते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं कर देते हैं, वो ऐसी रह जाती है, और उनकी डेथ हो जाती है अगर, तो उनकी प्रॉपर्टी नेचुरली उनके बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। लड़के के ऊपर हो जाती थी, लड़की का डिपेंड करता केस टू केस, अब क्या होगा कि नेचुरली उनके बच्चों के ऊपर, लड़का लड़की सब में इक्वली बढ़ जाएगी वो। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स ने कोई विल साइन की होती है, ठीक है ना, कि नहीं हम अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को देंगे या फिर किसी आश्रम को दे देंगे या फिर गवर्नमेंट के नाम कर देंगे या फिर यहाँ पर हम किसी और पर किसी और रिलेटिव के नाम कर देंगे, तो एक डिफरेंट केस हो जाएगा। या फिर अपने पेरेंट्स खुद पूछे कि नहीं हम अपनी सारी प्रॉपर्टी या तो अपनी सारी बेटी को दे देंगे या सारे बेटे को दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। इसका बैकग्राउंड क्या है? बहुत सारे बेंचेस थे सुप्रीम कोर्ट के और वेरियस हाई कोर्ट्स के जिन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को इशू में रखा था, जैसे कि एक था प्रकाश वर्सेस फूलवती 2015 का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बेनिफिट होगा ना 2015 के अमेंडमेंट का, ये सिर्फ उनको मिलेगा लिविंग डॉटर्स ऑफ द लिविंग कॉपर सिनर्स, ठीक है ना, यानी कि जिनके पिताजी जिंदा थे ना जिस दिन ये 9 सितंबर 2005 को जो लड़की जिंदा थी और उसके पिताजी जिंदा थे उन्हीं को ये मिलेगा, ये प्रकाश वर्सेस फूलवती में बताया था। फरवरी 2018 के अंदर इसके जो कॉन्ट्रारी आया था 2015 की रूलिंग में, उसमें ये कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो शेयर होगा फादर का जो 2001 में जिनकी डेथ हुई है, वो उनकी डॉटर को भी पास होगा एज कॉपर सिनर्स ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा, अगर उसके पिताजी की डेथ 2001 में भी हुई है तो भी उसको कर दिया जाएगा। फिर अप्रैल में उस साल कोर्ट ने रीआइट्रेट कर दिया था इस पोजीशन को जो कि 2015 की थी ना, इसको उन्होंने फिर से रीआइट्रेट कर दिया था कि 2005 का ही रहेगा, 2001 वाला नहीं रहेगा। ये कुछ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे बेंचेस के जो इक्वल स्ट्रेंथ के थे, जिसके कारण एक 3 जज का बेंच आया था अभी करंट केस के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि भैया 2005 में जिंदा था, 2001 में था, 15 में था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़मीन है, बेटी का इक्वल राइट होगा, कुछ नहीं देखेंगे कि पापा पिताजी ने खरीदी थी, पेरेंटल थी, क्या थी, हर किंतु परंतु लेकिन सब चीज़ें साइड में कर दी हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट कह दिया है, कभी से भी ज़मीन थी, बेटी का इक्वल राइट है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा था पर अब समझ में आ गया। की प्रोविज़न क्या थे हिंदू सक्सेशन के देख लिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, डिफरेंट बेंचेस भी ऊपर देखे हम लोगों ने, रिव्यू पिटीशन क्या होता है और रिव्यू पिटीशन को कौन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने कोई केस किया, ठीक है, उसका कोई वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, आप उसको रिव्यू करवा सकते हो, रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 10 दिन के अंदर आपको उस रिव्यू पिटीशन को फाइल करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट फिर कंडीशंस देखता है, जैसे भी अयोध्या वर्डिक्ट जो आया था ना, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उन्होंने अयोध्या को लेकर जो वर्डिक्ट दिया था, सुप्रीम कोर्ट की चॉइस थी, वो कंडीशंस देखता है कि कई नई पॉसिबिलिटी आई है उस वर्डिक्ट के अंदर तो ही वो उसका रिव्यू करेगा, अगर उसको लगता है कि इसके अंदर कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं आई है तो उसको रिव्यू करने से मना कर सकते हैं। और कौन रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, जिन्होंने भी उसका पार्ट होते हैं वो उसका रिव्यू पिटीशन को फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही जो भी लॉयर एडवोकेट होते हैं उन सब की सपोर्ट के तहत। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल रिव्यू पिटीशन का यही था कि अभी जो अयोध्या वर्डिक्ट आया था ना उसके अंदर रिव्यू पिटीशन डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अपने वर्डिक्ट को अब वो रिव्यू नहीं करेंगे, उनका डिसीजन अल्टीमेट है, फाइनल है और बाइंडिंग रहेगा। नाउ कम्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज NSCNIM releases the details of the 2015 Naga Framework Agreement. ये टॉपिक भी हमारा कवर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूँ,
नागालैंड अपने आप में एक अलग स्टेट बनना चाहते थे, स्टेट को हटाकर पूरा एक कंट्री बनना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा से कोशिश की कि उसको इंडिया का पार्ट बना के रखें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2015 में जब बीजेपी की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं नागालैंड, वहाँ पर बातचीत करते हैं कि हम लोग एक नागा का पीस अकॉर्ड साइन करेंगे। ठीक है, उस पीस अकॉर्ड के मुताबिक एक नागा फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट बनना था। ठीक है, उसके ऊपर फर्दर कुछ खास काम हो नहीं पाया। उस एग्रीमेंट को अभी पब्लिक किया है NSIM ने। ठीक है, अब आइडिया लग गया थोड़ा सा, इस न्यूज़ में अभी इतना ही है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार डिटेल में देखते हैं कि NSIM है क्या, नागा पीस अकॉर्ड क्या। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, तभी आपको ऊपर की तरफ का कंटेंट समझ में आएगा। इंडिपेंडेंस 1947 से पहले की बात है, ब्रिटिशर्स ने ना असम को एनेक्स किया था 1826 में। ठीक है ना, और 1881 के जो नागा हिल्स थे ना, ये भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गए थे। पहला जो साइन था नागा रेजिस्टेंस का, वो देखने को मिला था इन द फॉर्मेशन ऑफ नागा क्लब। 1918 में एक नागा क्लब बना था। इन्होंने साइमन कमीशन को बोला था 1929 के अंदर कि हमको अकेला छोड़ दो, हम अपना फ्यूचर अपने आप डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एंशियंट टाइम्स में करते आए हैं। 1946 के अंदर नागा नेशनल काउंसिल बनता है, NNC। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करना। इन्होंने डिक्लेयर किया कि नागालैंड जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था। उसी दिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, नागा नेशनल काउंसिल है जो कि 1946 में बना था, कि हम जो हैं हम इंडिया का पार्ट नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं अपने आप में। NNC रिजॉल्व हो गया। ठीक है ना, इन्होंने एस्टेब्लिश किया सॉवरेन नागा स्टेट। ठीक है ना, इन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट किया 1951 के अंदर, और वहाँ पर पता चला कि 99% उन्होंने सपोर्ट किया था कि एक इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहते हैं। अब इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, इसके बाद क्या चल रहा था। 22 मार्च 1952 को नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी, ये तीन बन गई, यानी कि इन लोगों ने इस एरिया के अंदर, ये देखो ये आपको एरिया दिख रहा है नागालैंड का, जो एरिया दिख रहा है नीचे वाला, ये जो पूरा पार्ट है नीचे का, ये है म्यांमार। ठीक है, और यहाँ पर अपना अरुणाचल प्रदेश है, इधर वो असम वगैरह है, यहाँ पर नागालैंड का पार्ट है। जितना ये आपको ऑरेंज सा पार्ट दिख रहा है ना, ये लोग इस पूरे पार्ट को एक एरिया मानते हैं। तो 22 मार्च 1952 को नागा फेडरेशन गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने अपनी आर्मी सेटअप कर ली, वहाँ पर फेडरल आर्मी बन गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेज दी यहाँ से अपनी, इस पूरी की पूरी इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए, और 1958 के अंदर वहाँ पर एफ्सपा लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद से चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल रही, लेकिन एग्रेशन वगैरह चलते रहे थे। फिर क्या होता है कि व्हेन डिड NSCN कम इनटू बीइंग। अब जब इन लोगों को सबको सप्रेस कर दिया गया था ना, तो उस टाइम पर ये जो NNC बना था ना ऊपर, नागा नेशनल काउंसिल वगैरह, ये सब डिसॉल्व हो गए थे। ये फेडरल गवर्नमेंट वगैरह, ये फेडरल आर्मी जो नागा की थी, ये सब डिसॉल्व हो गए। फिर एक ग्रुप होता है 140 मेंबर्स का, जिनको लीड कर रहे थे मुविया। ठीक है ना, थ्युंगा लैंग मुविया। ये लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पर चाइना चले गए थे। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब ये सारे के सारे रिजॉल्व हो गए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है यार, हम लोग इंडिया का पार्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर फॉर्मेशन होती है NSCN की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हम लोग एक शिलोंग अकॉर्ड साइन करते हैं। तो ये लोग बोल देते हैं कि ठीक है यार, चलो हम लोग इतने पावरफुल नहीं है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है, इनके साथ रहेंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर शिलोंग अकॉर्ड फाइल किया गया था, लेकिन कुछ लोग जो थे, ये जैसे थ्युंगालेंग मुविया जो थे ना, ये लोग इस बात को मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 140 लोगों को लेकर वो चले गए चाइना की तरफ कि ठीक है, वहाँ से कुछ सपोर्ट लेंगे और बाद में हम लोग इस चीज़ को अपनी बात का मनवा के रहेंगे। वहाँ पर बनता है 1980 के अंदर NSCN, 1980 के अंदर बना था ये। ठीक है ना, तो फिर जो अकॉर्ड था शिलोंग अकॉर्ड, इसके मुताबिक NNC और NFG इन्होंने अपने आर्म्स गिव अप कर दिए कि ठीक है, हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे और हम लोग किसी भी तरीके की इंसर्जेंसी नहीं करेंगे, हम लोग इंडिया का साथ देंगे। 1988 के अंदर NSCN के अंदर भी थोड़ा सा स्प्लिट हो गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार देखो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम इंडिया का सपोर्ट नहीं करेंगे। आपस में वॉयलेंट क्रैश हो गया, तो दो पार्टीज़ बन गई, NSCN IM और NSCN K, आपस में दो पार्टीज़ बन गई। अब क्या होता है, 2015 के अंदर जो मोदी सरकार होती है, उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया था ना, वो NSCN IM के साथ किया था 2015 में, कि बहुत समय हो गया इस पर्टिकुलर स्टेट को। ऑल दो यहाँ पर पीस स्टेबल करने के लिए 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्टिंग की थी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने की शुरुआत कर दी थी। काम पहले से भी हो रहा था, ठीक है ना, HD गोबड़ा जी ने भी काम किया था, नरसिम्हा राव ने भी काम किया था, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट मिला था वो आया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर। तो 2015 का अकॉर्ड साइन किया उन्होंने फ्रेमवर्क में, ठीक है ना। अब NSCN ने क्या किया है, इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट की डिटेल्स को रिलीज़ किया है।
उन्होंने एक्यूज़ किया है कि भैया जो सरकार की तरफ से जो इंटरलोक्यूटर थे आरएन रवि जो कि गवर्नर हैं नागालैंड के, इन्होंने एक कीवर्ड को डिलीट कर दिया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ठीक है ना, और इन्होंने फिर उस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करके बाकी के जो नागा ग्रुप्स थे ना उनके साथ शेयर किया है, इशू किया है। वो जो एग्रीमेंट जिसको NSCIM ने रिलीज़ किया है वो ये स्टेट करता है कि ये पावर को शेयर करेंगे, पावर की शेयरिंग होगी। देखो इन लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारा खुद का फ्लैग दे दो हमको, ठीक है, हमको एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर रहने दो, जैसे कि तिब्बत और वगैरह हांगकॉन्ग वगैरह होते हैं, ये ताइवान वगैरह हैं चाइना के अंडर, ऐसा सब कुछ हमको दे दो, देखिए हमको अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दो, खुद का हमको फ्लैग वगैरह दो। कुछ चीज़ें चल रही थी सेटलमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कहना चाह रही थी कि हम लोग आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं मेंशन करके देख सकते हैं क्योंकि वो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल दो हमारा जो आर्टिकल 371A है ना, यहाँ पर इन नागा ट्राइब्स वगैरह के लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, आर्टिकल 370 में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को दे रखा था, ठीक है, तो 371 के अंदर इनको भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। एग्रीमेंट जो रिलीज़ किया गया NSCIM के द्वारा ये स्टेट करता है शेयरिंग दी सॉवरेन पावर एंड प्रोवाइड फॉर एन एंड्यूरिंग इंक्लूसिव न्यू रिलेशनशिप, एक नई रिलेशनशिप के हम लोग एंड्योर करेंगे ताकि दोनों ही एंटिटीज़ का एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सके, ठीक है। हाउएवर उन्होंने एलिज किया है कि मिस्टर रवि जो कि नागालैंड के गवर्नर हैं इन्होंने क्राफ्टली डिलीट कर दिया है ये वर्ड न्यू है ना जो, इसको ओरिजिनल में से, ओरिजिनल जो फ्रेमवर्क था उसमें से उन्होंने इस न्यू वर्ड को डिलीट कर दिया है और फिर उन्होंने इस एडिटेड डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट कर दिया हमारे नागा के बाकी ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर NNPG भी आता है जो कि नागा का नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप भी आता है। डिमांड क्या है इनकी, NSCIM क्लेम कर रहा है कि ये जो वर्ड न्यू था ना ये पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है और ये डिफाइन करता है कि क्या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा दोनों एंटिटीज़ का, दोनों जो सॉवरेन पावर्स हैं। इन्होंने डिमांड किया कि सेंटर को आगे आना चाहिए, ठीक है ना, और एक जो फ्रेमवर्क का जो एग्रीमेंट था ना जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हम लोगों ने बात की थी उसको किसी ऐसे इंसान को दो आरएन रवि के अलावा जो दोनों की रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है ना, दोनों की सेंसिटिव सिचुएशन को समझता हो, क्योंकि पिछले 23 साल का जो संघर्ष है ना अदरवाइज इसको अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग, दोनों ही गवर्नमेंट पीस सेटल करना चाहती हैं ये हो नहीं पाएगा, ये इन्होंने अभी डिमांड रखी है। आरएन रवि को हटाओ और कोई ये जो न्यू वर्ड था ना इसको मेंटेन करो। बैकग्राउंड क्या था, नागा टॉक्स का जो था ना ये एक रफ फेदर बन गया था NSCIM ने जब डिमांड किया था कि प्रेजेंट जो इंटरलोक्यूटर ने इसको हटा दिया जाए, तो थोड़ी सी उसमें गड़बड़ सी होने स्टार्ट हो गई थी, बातें थोड़ी सी गर्म होने लग गई थी। NSCIM फाइट कर रहे हैं ग्रेटर नागालैंड के लिए या फिर नागालैंड के लिए ये नाम देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नागालैंड के जो बॉर्डर है ना इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें और नागा का जो डोमिनेशन होगा ना वो उनके नेबरिंग असम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में भी होगा जहाँ पर नागा ट्राइब्स के लोग प्रेजेंट हैं, तकरीबन 1.2 मिलियन लोग हैं जो कि नागालैंड के अलावा असम मेघालय और ये आसपास मणिपुर वगैरह के जो रीजन्स हैं इनमें भी कुछ कुछ प्रेजेंट हैं। सेंटर ने कहा कि देखो भैया डिस इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे हम, आसाम के साथ आपको मिला दें अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है ना, आपका जो एरिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब पुराने नागा पॉलिटिक्स इशू क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो इतना कुछ है। पहले भी ये मैंने एक बार आपको समझाया था, विजन में नहीं मैंने इनसाइट में ही समझाया था, इस बार थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में समझा दिया है। रेगुलरली बने रहोगे ना तो यही चीज़ दोबारा भी जब आएगी तो दोबारा भी इसको सुनेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगी। इन चीज़ों को एक बार में याद नहीं किया जाता, ये रिपीटेडली हो रही होती हैं तभी याद होती हैं। टिक बोन वायरस क्या है, इशू रिलेटेड टू हेल्थ के अंदर, ये नया टॉपिक है हमारा। चाइना वायरसेस का घर है, ठीक है, टिक बोन वायरस को वहाँ पर चाइना में बुनिया वायरस भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, SFTS वायरस होता है, ठीक है, फुल फॉर्म होती है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस SFTSV। हो क्या रहा है, ये बेसिकली एक कीड़ा होता है, छोटा सा एक इंसेक्ट होता है जो बहुत सारे एक पैरासाइट एनिमल होता है, यानी कि दूसरे पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर या फिर रेप्टाइल्स के ऊपर इवन ह्यूमन बींग की बॉडी के ऊपर रहकर ब्लड को सक करता है, खून को चूसता है, उसके कारण ये वायरस हमको इफेक्ट कर सकता है। ये वायरस रैपिडली स्प्रेड कर रहा है चाइना के अंदर रिसेंटली और वहाँ पर 60+ लोग इन्फेक्टेड माने गए थे, 7+ की डेथ भी हो चुकी है, इसको SFTS बोलते हैं। कंसर्न क्या है, ये जो डिजीज़ होती है ये ट्रांसफ़र हो सकती है ह्यूमंस के अंदर भी टिक के बाइट के थ्रू, मतलब अगर टिक अगर काट लेता है तो। चाइनीज़ वायरोलॉजिस्ट ने वॉर्न किया है कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, राइट। करंट जो इसका फेटेलिटी रेट है वो 16-30% है, जितनी आपकी एज ज़्यादा होगी, इफ़ यू आर ओल्ड एज पीपल 50+ हो तो 30% तक आपका फेटेलिटी का रेट हो सकता है, यानी कि डेथ कॉजिंग है। ड्यू टू द रेट, जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है हाई फर्टेलिटी रेट के साथ, SFTS को top 10 प्रायोरिटी डिजीज़ के अंदर जो ब्लूप्रिंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उसमें पुटअप कर दिया गया है।
सार्स कोव टू की तरह ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि SFTS वायरस जो इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेज आए थे, री इमरजेंस हुआ है इस डिजीज़ का अभी। SFTS वायरस क्या है? ये बिलोंग करता है बुनिया वायरस फैमिली को और ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस के अंदर टिक के बाइट के थ्रू। वायरस जो है इसको पहले आइडेंटिफाई किया था एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने चाइना के अंदर तकरीबन 10 साल पहले, एक डेकेड अगो। फैलता कैसे है? एशियन टिक जो होता है इसको बोलते हैं हेमाफाइसलिस लॉन्गिकॉर्निस। ये प्राइमरी वेक्टर होता है, कैरियर होता है इस वायरस का। साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि जो वायरस है ये ऑफन ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस के अंदर एनिमल, गोट, कैटल, डियर या फिर शीप के थ्रू। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आप लोगों को? फीवर हो सकता है, ऑलराइट। 13 डे के आसपास तक का इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है। ये जो चाइना के रिसर्चर्स ने इसको बताया था 2011 के अंदर। पेशेंट्स को फीवर होगा, फटीग, थकावट, चिलिंग, हेडेक वगैरह, एनोक्सेक्सिया, नोसिया वगैरह होने लगेगा, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एट्सेट्रा। ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई वैक्सीन तो नहीं है इसकी अभी तक की सक्सेसफुली जिसको डेवलप किया गया हो, ठीक है। ये जो एंटीवायरल ड्रग होती है राइबावेरिन, इसको माना जा रहा है कि इसकी इलनेस को ट्रीट करने के लिए अभी तक की थोड़ी इफेक्टिव है। प्रिलिम्स लिंक के ऊपर अगर बात करते हैं तो SFTS क्या होता है, कॉज क्या होता है, कंट्रीज अफेक्टेड, चाइना के अंदर चल रहा है अभी। देखो, चाइना से आगे इसके एक्सटेंड होने के भी चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर अभी भी बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। पीपल आर वेयरिंग मास्क हर जगह पर, एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर उनकी स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है एंड प्रिकॉशंस आर बींग टेकन। तो जस्ट इन केस अगर ये एक्सपेंड होता है तो चाइना के अंदर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया जैसे कंट्रीज़ में या फिर आस पड़ोसी कंट्रीज़ में इसका फैलने के चांसेस हार्डली बहुत कम हैं। सिम्टम्स हो गए, वैक्सीन तो इसकी नहीं है। टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीजेज का ब्लूप्रिंट क्या है WHO के द्वारा? आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है चेक करना। प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो प्रायोरिटी डिजीजेज होती हैं WHO की जो लिस्ट के ऊपर, उसमें सबसे ऊपर आता है COVID-19, उसके बाद आता है क्रीमियन कॉन्गो का जो हेमरेजिक फीवर है, एंड इबोला वायरस इज़ देयर, लस्सा फीवर इज़ देयर, एंड मर्स कोव और सार्स भी चल रहा है, नीपा भी वायरस है, रिफ्ट वैली फीवर इज़ देयर, जीका वायरस इज़ देयर एंड डिजीज एक्स इज़ देयर। ऑल्दो इसके अंदर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। एक समय के अंदर यहाँ पर TB भी हुआ करता, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो जिस तरीके की प्रायोरिटी चल रही है, जैसे अभी पैंडेमिक फैला हुआ है कोरोना का, तो COVID-19 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर चल रही है। नाउ वी हैव स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स बाय इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। कंटेक्स्ट क्या है? अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ। डेल एक IT की कंपनी है जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह चीज़ें बनाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। दोनों ने मिलकर लॉन्च किया एक प्रोग्राम, स्टूडेंट की एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम 2.0। किसके लिए? जो अटल टिंकरिंग लैब्स के यंग इनोवेटर्स होते हैं ना, उनके लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के अंदर जो होता है ना, 6 से 10 स्टैंडर्ड वगैरह के लिए, वहाँ पर लैब सेटअप की जाती है, ATL लैब्स। उसमें क्या होता है कि बच्चों को इक्विपमेंट्स, टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इनोवेटिव चीज़ें करते रहें। क्रिएटिव आइडियाज़ जो उनको शेप देने के लिए इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो, ठीक है, तो वो लैब्स बनाई जाती हैं। तो उनमें जो यंग इनोवेटर्स होते हैं उन लोगों के लिए कुछ स्टूडेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पर इन बच्चों को जो इनोवेटर्स होते हैं ना, इनको डेल के वॉलेंटियर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इनको मेंटर सपोर्ट मिलेगा, प्रोटोटाइपिंग होगी, टेस्टिंग सपोर्ट, यानी कि ये अपना कुछ इनोवेट करते हैं उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके प्रोटोटाइप वगैरह कैसे सेट करने हैं। क्योंकि डेल वॉलेंटियर्स का मतलब क्या, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर प्रोफेशनल काम होता है IT का। वो लोग इन बच्चों को, सिंस ये यंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको सपोर्ट करेंगे, इनको हेल्प करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आइडियाज़ की पेटेंटिंग क्या होती है, प्रोसेस, प्रोडक्ट, कोई भी सपोर्ट कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है, प्लस में किसी भी प्रोडक्ट का लॉन्च वगैरह कैसे करना होता है मार्केट में, ये सारी की सारी चीज़ें इनको सिखाई जाएंगी। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अभी जो हमने किया वो तो 2.0 है। 1.0 क्या था? वो जनवरी 2019 में था। एक 10 मंथ का लॉन्ग रिग्रेस प्रोग्राम था जहाँ पर टॉप 6 टीम्स जो थी ATL मैराथन की, जो कि एक नेशन वाइड कॉन्टेस्ट था जहाँ पर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेंगे कम्युनिटी के चैलेंजेस क्या है और उनके लिए ग्रास रूट लेवल के इनोवेशंस करेंगे, सॉल्यूशंस लेके आएंगे। उनको एक चांस मिला था कि वो अपने इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स को फुली फंक्शनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जो SEP 2.0 आया, ये SEP 1.0 का नेक्स्ट वर्जन है। हु कैन सेटअप ATLs? ATLs जो हो सकते हैं ये स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के होते हैं या फिर पब्लिक सोसाइटीज, ट्रस्ट वगैरह हो सकते हैं, ये सेटअप कर सकते हैं। नीति आयोग इन्फॉर्म करता है, स्कूल्स वगैरह को अप्लाई करना पड़ता है, 1500 स्क्वायर फुट कुछ करके ऐसा एरिया सेटअप करवाना पड़ता है।
व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सपोर्ट, जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है ना, हम लोगों ने ऊपर बात की थी, AIM नीति आयोग का, ये फंडिंग देता है एस्टैब्लिशमेंट वगैरह करने की। स्टार्टिंग के 5 साल के लिए 10 लाख रुपये तक का एस्टैब्लिशमेंट वगैरह का इस तरह की फंडिंग प्रोवाइड करता है अटल इनोवेशन मिशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टिंकर के फ्रॉम होम कैंपेन के? देखो, इसमें वही करना होता है आपको, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनके यंग इनोवेटिव क्रिएटिविटी को बाहर निकालना पड़ता है। बेसिकली जो हमारे आसपास के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी IITs में, MITs में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर उनके सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, ठीक है ना। कोई इंसान विजुअली हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोटोटाइप बना दे जो उनके फ्यूचर में काम आए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेटिव स्किल को रिसर्च करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और इस तरह के जो ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर इनको प्रॉपर प्रोफेशनल मेंटर्स वगैरह से सपोर्ट मिल जाता है। नीति आयोग को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग को हम लोगों ने बनाया था रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था रशिया से, जिसके अंदर हमारे पास 5 ईयर के प्लान हुआ करते थे। 2015 के अंदर जब BJP सरकार आई तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, इन्होंने इसको बना दिया नीति आयोग, ठीक है। ओके, अबाउट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ये तो हमने कर ही। नाउ वी हैव व्हाट इज SpaceX SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप। ये टॉपिक है हमारा अवेयरनेस इन स्पेस के लिए। ये एक प्रोटोटाइप है SpaceX के अनक्रूड मास शिप का। अनक्रूड मतलब इसके अंदर क्रू मेंबर्स नहीं होंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, टेक्निकल होगा, सिस्टमेटिक होगा। स्टेनलेस स्टील का टेस्ट है और ये स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का पार्ट है। न्यूज़ में क्यों है? इस प्रोटोटाइप ने रिसेंटली अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है। ये 500 फीट की हाइट तक लेस देन 60 सेकंड के अंदर फ्लाई किया था। स्टारशिप क्या है? इसको SpaceX ने डिज़ाइन किया है। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट के साथ लगा हुआ है। इसका काम होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, क्रू के लिए भी और कार्गो के लिए भी। प्लस में ये रीयूजेबल होगा, यानी कि इसको दोबारा मल्टीपल पर्पज़ के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। अर्थ के ऑर्बिट में यूज़ करो, मून के लिए यूज़ करो और मार्स के लिए यूज़ करो। SpaceX ने डिस्क्राइब किया कि जो स्टारशिप है ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल होगा। इसकी एबिलिटी है कि अर्थ के ऑर्बिट के अंदर 100 मेट्रिक टन्स तक कैरी कर सकता है लोड। पोटेंशियल क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक बार फंक्शन होने के बाद स्टारशिप का जो स्पेसक्राफ्ट है ना, ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाएगा। उसकी स्पीड होगी 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लस में ये मल्टीपल एंट्रीज कर सकता है। जनरली आप किसी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्पेसक्राफ्ट वगैरह को। हमारा भी गया था ना अभी मंगलयान वगैरह का गया था, हमारा रोवर वगैरह जो भी गया था, प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। लेकिन इन्होंने इसको अच्छे से फंक्शनल बनाएंगे। स्टारशिप जो है ये डिलीवर करेगा सैटेलाइट्स आगे लोअर मार्जिनल कोस्ट के ऊपर, जो कि SpaceX का फैल्कन व्हीकल है, उससे भी कम में। प्लस में कार्गो और क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाने का काम भी इसका ही होगा। देखो, स्पेस स्टेशन तो बहुत सारे बने हैं पहले भी, अभी भी बन रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी प्लान किया जा रहा है। इंडिया भी अपना प्लान कर रहा है। करंटली स्पेस के अंदर ISS एक्टिव है, ऑपरेशनल है। अभी एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका नाम ISS है, ये ऑपरेशनल है। कुछ कंट्री से कोलैबोरेशन से बना हुआ है ये, UK, रशिया, रॉसकॉस्मोस है और ये जापान, यूरोपियन का जो स्पेस एजेंसीज हैं, इन सबके कोलैबोरेशन के साथ। एक बार डेवलप होने के बाद जो स्टारशिप होगा, इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्ज अमाउंट्स के अंदर कार्गो मून के ऊपर भी कैरी करेगा। प्लस में जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का डेवलपमेंट और रिसर्च होगा ना, वो भी इसके तहत किया जाएगा। बियॉन्ड द मून, मून के बियॉन्ड जो स्पेसक्राफ्ट है उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो क्रू और कार्गो को इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए भी रेडी करेगा। नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, बताते हैं। स्पेस शटल प्रोग्राम, स्पेस शटल प्रोग्राम जो था ना, ये नासा का प्रोग्राम था 1981 से लेकर और 2011 तक का, कि स्पेस के अंदर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना हो, क्रू को करना है या फिर कार्गो को करना है, तो ये इनका 30 साल का प्रोग्राम था। तो जब ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद नासा वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रॉकोसमोस, जो कि रशिया का स्पेस प्रोग्राम है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और स्पेस स्टेशंस अभी तक, सो फार मैंने आपको बता दिया, अभी तक करंटली वैसे बने बहुत सारे हैं, तो आपको सबके नाम याद नहीं रखने हैं। अभी करंटली जो ऑपरेशन है आपको वही पता होना चाहिए। स्टारशिप प्रोजेक्ट और SN5 का स्टारशिप प्रोटोटाइप ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या है? ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जो कि ऑपरेट किया जाएगा नासा के द्वारा, लेकिन एसोसिएशन दो का है, बोइंग और SpaceX का। इस प्रोग्राम के अंदर ये लोग रोटेशंस करेंगे एक्सपेडिशंस के इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम के तहत, यानी कि क्रूज को टू एंड फ्रो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेके आना और छोड़ के आना,
टू एंड फ्रो का मतलब होता है ना, पेंडुलम क्या करता है, ये पेंडुलम होता है, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, आगे पीछे आगे पीछे। तो टू एंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एब्रॉड बोइंग का जो CST-100 स्टारलाइनर कैप्सूल है और स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, इसके अंदर स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने अभी रिसेंटली टेस्ट फ्लाइट की थी और सक्सेसफुली ये लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेके भी चले गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और लेके भी आ गए थे। पहला क्रूड ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट होगा जो कि ऑपरेट किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। जो प्रोग्राम सक्सीड्स, नासा की जो इन्वॉल्वमेंट है ना रॉसकॉसमॉस के सोयूज़ प्रोग्राम में, जिसके कारण नासा डिपेंडेंट है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने एस्ट्रोनॉट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जब से नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में एक्सपायर हुआ है, रिटायर हुआ है। हर एक मिशन जो होगा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का, ये 4 के आसपास तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, या तो क्रू ड्रैगन के ऊपर या फिर स्टारलाइनर कैप्सूल में। ऑप्शन है नासा के पास कि वो 5th पैसेंजर को भी उसमें बैठा दे। क्रू ड्रैगन का जो स्पेसक्राफ्ट है ये दे आर लॉन्च टू स्पेस एटॉप ये फैल्कन 9 ब्लॉक 5 के लॉन्च व्हीकल के ऊपर, और रिटर्न करेंगे अर्थ स्प्लैश डाउन के साथ अटलांटिक ओशन में। स्प्लैश डाउन को भी अभी रिसेंटली इन्होंने टेस्ट कर लिया था, दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हैं।